हम बात करेंगे कभी भी कभी तुम एपिसोड 21 के प्रॉब्लम के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा सुबह वो ये हरकत करती है पैसे उनके कमरे में छुपा के, और वहाँ पे जो है जब उसकी माँ जाती है तो वहाँ पे उसे पैसे नहीं मिलते। वहीं उसकी माँ जो है वो शर्जीना के लिए काफ़ी परेशान होती है, ये बिहेवियर हो रहा है, उसे टॉयलेट करना पड़ा है। उसके कमरे की तलाशी ली जाती है और आखिरकार पैसे वहाँ से बरामद हो जाते हैं। आखिर क्यों ना थी रुबाब ने यह सब कुछ किया होता है। मुस्तफ़ा अपने हक में बोलता है लेकिन वहाँ पर उसका बाप उसके सबके सामने थप्पड़ मारता है और वहाँ पर शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों ही घर छोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार अदील और रुबाब जो है दोनों ही खुश होते हैं। काफ़ी आने वाले एपिसोड में देखेंगे उसकी जो माँ है मुस्तफ़ा की माँ अभी उसके जिम्मेदार से उसे जो है शर्जीना को ठहराती है। वो उसे कहती है कि ये सब कुछ रुबाब ने किया है उस दिन का बदला लेने के लिए हमसे। मुस्तफ़ा काफ़ी परेशान होते हैं। शर्जीना जो है उसे हौसला देती है कि सब ठीक होगा, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अदील जो है वो समझ आता है ये सब कुछ रुबाब ने किया था। उसे कहती है कि हाँ तुम भी तो यही चाहते थे कि वो लोग वहाँ से चले जाएँ, और वही सब कुछ हुआ। देखना ही है कि आने वाले एपिसोड में आखिर क्या होगा, क्या जो है उसके बाप के सामने अदील और रुबाब का सच खुलेगा, और क्या होगा जब उनका सच आएगा सबके सामने। आप भी अपनी रिकमेंड के जरिए जरूर दीजिएगा।